नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसान सभा ने आज अपनी समस्याओं को लेकर के जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा फतेहाबाद जिले के किसानों को नहर के पास लगे ट्यूबवेलों को उखाड़ने का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह 75 मीटर के पास लगे सभी ट्यूबवेल उखाड़ दिए जाएंगे। इसी के विरोध में आज किसान जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे। किसान सभा के प्रदेश संयोजक मनदीप नथवाल ने बताया कि सरकार और प्रशासन आए दिन नए नए फरमान सुना करके किसानों को परेशान कर रही है। इससे पहले भी पराली जलाने को लेकर के किसानों को प्रशासन द्वारा कई मामले दर्ज भी किए गए। जब कई किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया तो जिला प्रशासन ने मामले को वापस लेने के लिए और सरकार से बातचीत करने का भरोसा दिया था, लेकिन प्रशासन अपनी बात से मुकर रहा है। किसानों ने कहा कि ट्यूबवेल उखाड़ने को लेकर के प्रशासन द्वारा जो नोटिस जारी किए गए हैं उनमें तर्क दिया गया है कि युवक नहर के पास पानी खींचते हैं, जबकि यह तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है। किसानों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन अपना यह फरमान वापस नहीं लेता है तो किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने किसानों द्वारा जबरन किए जा रहे फसल बीमा पर भी नाराजगी जताई। फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। ये किसान संघर्ष समिति जो फतेहाबाद के अंदर किसानों का संगठन है उसके प्रतिनिधि आए हैं। इसमें मुख्य रूप से 3-4 मांगे हैं। पहली मांग है अभी जो समझौता प्रशासन ने हमारे साथ किया था आंदोलन के दौरान, जिसमें कमिश्नर साहब और डीसी साहब और एसपी साहब हाजिर थे, उस समझौते को प्रशासन ने तोड़ने का काम किया है और सरकार के साथ हमारी बातचीत करवाने की, मीटिंग करवाने की जो बात थी आज तक हमारी उन्होंने मीटिंग नहीं करवाई, उसका जवाब लेने के लिए आए हैं। नंबर दो, वो बीमा कंपनियों द्वारा किसान का पैसा फसल बीमा के नाम पर बड़ी धांधली की जा रही है और पैसा बैंक से बीमा के पैसा बगैर किसान की मर्जी से बैंक काट रहा है, उसे बंद करवाने के लिए आवारा पशु की समस्या के लिए एक नई समस्या का समाधान किसान और कर रहे हैं। ट्यूबवेल जो नहर के साथ लगे लगवा रखे किसानों ने, अपनी ज़मीन में ट्यूबवेल लगे हुए हैं जिसपे कनेक्शन भी है, वो ट्यूबवेल कई की 7-10-20 सालों से लगे हुए हैं, उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर इन ट्यूबवेलों को उखाड़ो आप यहाँ से। मतलब ये कैसे नए फरमान रोज सुनाए जा रहे हैं, पराली के नाम पे पहले प्रताड़ित किया गया, अब ट्यूबवेलों के नोटिस निकाले जा रहे हैं। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम फतेहाबाद के जो आला अधिकारियों से मिलेंगे और अगली रणनीति के लिए मिलने के बाद आगामी हमारी क्या रणनीति होगी अभी हम इसकी मीटिंग अगली मीटिंग का जो फैसला करेंगे। इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा, यदि हमारी ये बात सरकार ये प्रशासन सरकार ना मानेगा तो एक बड़ा आंदोलन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे और किसान लड़ेगा इस बार, क्योंकि किसान झुकेगा यानी, क्योंकि हर बार किसान को ये सरकारें प्रताड़ित कर रही हैं और इसके लिए हम आज मिलने के लिए आए। तो कितने किसानों को नोटिस जारी किए गए ट्यूबवेल वाले मामले में और क्या किस लिए दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नोटिस जारी? वो कह रहे हैं नहर के साथ जो ट्यूबवेल लगे नहर का पानी खींच रहे हैं। मान लो ये सरकार इतनी बेवकूफ़ है, इसको ये समझ नहीं आ रहा, नीचे वो उसको आरसीसी पक्की है, नहर नीचे फर्श लगा हुआ है, ईंटें लगी हुई है और नहर का पानी ट्यूबवेल कैसे खींच लेगा? अभी तो आरसीसी है और वो भी जमीन है जो किसानों, नहर की जमीन भी किसानों की जमीन से कटी हुई जमीन है और अब किसानों को ये कह रहे हैं नहर का पानी खींच ले, ट्यूबवेल खींचेगा, ये कैसी मान लो बेतुकी बातें सरकार कर रही है। कितने किसानों को नोटिस जारी किया है? ये नहर के साथ लगे जितने भी है 75 मीटर से, जितने मान लो दूरी पर कह रहे हैं 75 मीटर के अंदर जितने भी ट्यूबवेल आएंगे उसको हम उखाड़ने का काम ये प्रशासन ने नोटिस तुम्हारे हैं जो नहरी विभाग है और आज मिलेंगे हम प्रशासन से, क्या वो हमारे जवाब मिलता है आगे आगामी हम इसको आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनदीप सिंह।